Good morning, boys. Welcome to class 8, session on history, NCERT. Topic is how, when and where. Kab, kahan, kab aur kaise, how, when and where. To isme aap padhenge ki how dates ke bare mein. Dates kyun important hai? Why are the dates so vital? Why are the dates so important? History without dates is nothing but a loose soul. इतिहास अगर देश के में बिना हम पढ़ते हैं तो इतिहास एक जीरो है. क्यों? क्योंकि डेट्स ही हमको देता है कि कहां पे कब घटनाएं हुई, कहां पे कब घटनाएं घटी. तो विदाउट डेट्स हिस्ट्री इज अ जीरो. तो पहला टॉपिक आपका है कि चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर. तो पहला पॉइंट है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? विच डेट्स, कौन से डेट्स? How we do periodize? हम periodize कैसे करते हैं history को? और what is colonial? Colonial किसे कहते हैं? कल colonial, colonial, colonial है क्या चीज़ भाई? तो what is colonial? Why do we know? How do we know? हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या information है? Surveys क्या है? Surveys कब important है? What official records do not tell? Official records क्या-क्या नहीं कहता है? वो भी हम पढ़ेंगे. और उसके बाद नक्शल में भी नीचे दिया है कि कौन से लोग अनभिज्ञ हैं about these records. इसके बारे में जो आपकी डिटेल है वो आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करा दी गई है, आपने देखा होगा. और रिमेंबर, एक ध्यान से देखिएगा कि एनसीईआरटी बुक्स आप खरीद लीजिए अगर इन्होंने नहीं खरीदा है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक्स के स्टडी करना इम्पॉसिबल है. तो पहला पॉइंट आइए, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड बाय डेट्स. एक समय ऐसा था जब इतिहासकार डेट्स के बारे में बहुत पसंद करते थे. History is certainly about changes that occur over time. इतिहास जो है समय के अनुरूप बदलता रहता है. History changes through the change of time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इससे क्या होता है? इससे it is about finding out how things have changed in the past. और present में क्या है, past में क्या है, वो दिखता है आपको through these dates. Why? Then we why do we continue to study history with strive on it? अगर तो necessity क्या है ये dates की? अगर ये dates कई dates हैं, हजारों में dates हैं, तो क्या जरूरत है? Why do we continue to study history with the string of dates? This is association has a reason. इसका association जो है date dates का इतिहास से वो एक कारण का है, एक reason है. There was a time when history was an account of battles and by heroic events. इतिहास हम अपने पुराने पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि कई लड़ाइयां, कई बैटल्स फाइट हुए हैं, कई इंपॉर्टेंट बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं. वो इवेंट्स जो है कैसे हुआ? देयर वाज टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. फॉर इवेंट्स सच एज दीस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड हिस्ट्री सच एज दीस डिबेट्स अबाउट द डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि राजपूताना में क्या हुआ, राजपूत पीरियड में क्या हुआ, गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, फिर हम डिस्कस कर अशोका पीरियड में क्या हुआ, मौर्य पीरियड में क्या हुआ, तो इसके पीरियड हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सामने आती है स्पेसिफिक डेट्स. तो यहां पे यही कह रहा है कि फॉर सच इवेंट्स सच एज दीस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन सच हिस्ट्री सच एज दीस डिबेट्स अबाउट द डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट. और ये डिबेट्स क्यों होता है आजकल? पहले तो होता था लेकिन आजकल लोग जागरूक हैं, लोग अवेयर हैं हिस्ट्री के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो वो डिबेट करते हैं. और जितना डिबेट करेंगे, जितना डिस्कशन होगा, उतना हिस्ट्री विल गेट पॉपुलर. तो ये सेकंड विच डेट्स, कौन सी डेट्स के बारे में बात करते हैं? डेट्स वी सिलेक्ट वी कंपोज आवर हिस्ट्री स्टोरी इन द पास्ट आर वाइटल एज फॉर एज फोकस ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के बारे में फोकस करते हैं. तो जब पर्टिकुलर सेट के बारे में ऑफ इवेंट्स के बारे में फोकस करते हैं तो इसमें दिया गया है कि फलाना पीरियड इस समय था, ये पीरियड इस समय था, ये पीरियड इस समय था. तो कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं? वी क्लासिफाई थ्रू डेट्स. डेट्स इज सिलेक्ट टू कंपोज आवर हिस्ट्री स्टोरी इन द पास्ट एंड बाय एंड आर वाइट एज इट फोकस और पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. न्यू इश्यूज, नए नए इश्यूज आते हैं, नए नए इवेंट्स आते हैं, नए नए कारनामे होते हैं, तो न्यू सेट्स ऑफ डेट्स भी एस्टैब्लिश होते जाते हैं. तो ये हो गया डेट्स. How do we periodize? हम कैसे इसको periodize करते हैं? 1817 में 1817 में एक Scottish historian थे जिसका नाम है James Mill. James Mill ने एक book लिखा था जिसका नाम है History of British India. इस book में उन्होंने classify किया, periodize किया three periods में, Hindu, Muslim and British. Hindu, Muslim and British.
He thought that all Indians were at a lower level civilization as compared to Europe. उनका ये कहना था, उनका ये धारणा था कि हम Indians, we Indians are inferior as compared to British. We Indians cannot match the civilized culture of Europe. He felt that British could civilize India. उनका ये मानना था कि Britishers अगर इंडिया में आए हैं तो उनका उनका एक रोल और भी है कि टू कल्चराइज टू सिविलाइज द इंडियंस अकॉर्डिंग टू हिम दे इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड ही फेल्ट दैट ब्रिटिश शुड सिविलाइज इंडियंस दिस आइडिया जनरेटेड ग्रेट गिव फिलिप गेट टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन मतलब कि ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया में आई तो उनका एक और कारण था प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन वो प्रोग्रेस करना चाहते थे वो सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे ऑफ इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री नॉट ओनली कल्चर बट ऑल्सो सिविलाइजेशन क्योंकि दे वॉन्टेड टू मेक अस सिविलाइज अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल फिर आगे आइए एंशियंट हिस्ट्री मीडियावल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री जेम्स मिल की थ्योरी के अनुसार एंशियंट हिस्ट्री डेवलप हुआ मॉडर्न मीडियावल हिस्ट्री मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री इसे कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री पुरातत्व मीडियावल मध्यकालीन मॉडर्न आधुनिक राइट अब आइए दूसरे पे व्हाट इज कॉलोनियल अभी कॉलोनियल क्या वर्ड है हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड व्हाट इज दिस कॉलोनियल मींस फॉरेन रूल कंट्री एस्टैब्लिशिंग रूल बाय सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड किंग्स लोकल नवाब्स और किंग्स को जो तख्त पलट करके अगर कोई अपना राज स्थापित करता है बाहर के व्यक्ति फॉरेन व्यक्ति तो उसे कहा गया है कि ही हैज एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियल रूल He not only established foreign rule, but he captured economy and finance as a whole. तो जब कोई country, जब कोई राजा, जब कोई foreign power अगर आते हैं, invade करके कब्जा करते हैं local nawabs और kings के ऊपर, not only control the state, but also capture economy and finance through the foreign rule. Next, how do we know? कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है? Administration प्रोड्यूस रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जाते हैं आप अगर मुझे बताइए कि ये कहाँ पे है तो फलाना चीज कहाँ पे है कैसे लोकेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड मेमोस वोटिंग्स रिपोर्ट्स एक्ट ऑफ राइटिंग तो लिखने की जो शब्द है एवरीथिंग विच वी राइट नोटिंग तो वो आगे हिस्टोरी ये द एक्ट ऑफ राइटिंग है ये एक्ट ऑफ राइटिंग इंग्लिश ब्रिटिश पीरियड से शुरुआत हुई अगर वो आज न लिखे होते डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स तो हमको नहीं पता चलता कि लॉर्ड माउंटबेटन कब आए लॉर्ड वेलेस्ली कब आए लॉर्ड बेंटिंक कब आए ब्रिटिश ने कब इन्वेड किया ईस्ट इंडिया कंपनी कब चले गए और ब्रिटिश इंडिया यहां पे आई तो दीज इवेंट्स वुड नॉट बी पॉसिबल इफ देयर वर नो इन राइटिंग फॉर्म नो इवेंट्स इन राइटिंग फॉर्म तो हाउ डू यू नो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेमोस नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स एक्ट ऑफ राइटिंग तो एक और बात आती है कैलीग्राफिस्ट कौन थे कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो स्पेशलाइज इन अ गुड इन अ वेरी नाइस इन अ वेरी पर्सोनिफाइड वे ऑफ राइटिंग इन अ वेरी जिसे कहते हैं हिंदी में आप समझ जाइए तो कहेंगे कैलीग्राफिस्ट आर सुंदर लेखन जिसे कहते हैं वो सुंदर राइटिंग कैलीग्राफिस्ट प्रोवाइड करते हैं सर्वे आपके सामने अब सामने सर्वेज आए सर्वेज क्या होता है उस समय हमने देखा कि सर्वेज हो गए रेवेन्यू सर्वेज सेंसस बोटानिकल सर्वे जूलॉजिकल सर्वे मैपिंग और सेंट्रल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो आज के दिन में भी आप देखते हैं अब आते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम कहते हैं कि लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं कहता है क्या नहीं कहता है ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं कहता है कि हम क्या समझते हैं दिन दिन हम क्या समझते हैं क्या क्या हो रहा है हम क्या जानते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं कहता What other people of our country felt and what they behind their actions. सरकार ने कह दिया कि ऐसा ये है फिगर ये है फिगर ये है सीमेंट का लेकिन हम क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं वो सरकार से मतलब नहीं है सरकार से मतलब है कि कैसे उनके रिकॉर्ड में ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या है उनके रिपोर्टिंग में क्या है उनके रिपोर्ट में क्या है वो सरकार मानेगी उसे कहा गया ऑफिशियल फिगर हम क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं उसे सरकार की कोई लेना देना नहीं है तो वॉट ऑफिशियल what other people of our country felt and what lay behind their action.
डायरीज, अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा, पॉपुलर बुक्स और सोने लोकल बाजार, न्यूज़पेपर डिबेट, ये सब डिबेट की बातें हैं कि अखबार में क्या लिखा है, नोटिस में क्या लिखा है, ये सब डिबेट्स और डिस्कशन के बारे में होती है। लेकिन ऑथेंटिक हम आते हैं ऑफिशियल फिगर्स को, वो ऑफिशियल फिगर्स कौन है, विच एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉम हियर न्यू हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड बाय ट्राइबल्स, कैसे कैसे हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स एंड वर्कर्स एंड पेशेंट्स वो एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि दे वर इलिटरेट, वो नहीं लिख पाए, तो उनके हिस्ट्री के बारे में हम अभिज्ञ हैं, वी डू नॉट नो अबाउट देयर हिस्ट्री, वी ओनली नो अबाउट हिस्ट्री हु आर रिटन पीपल बिकॉज दे हैव द गॉट नैप ऑफ राइटिंग एंड नैप ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये आपका हुआ चैप्टर खत्म। To summarize, how important are dates, which dates, how do you prioritize, what is colonial, how do we know, service, how is what is service, or last name, what official records not tell. So, this chapter 1 is done, and you will take a PDF file, a book, a question answer provide, and you will be able to do it, and you will be able to do it, and hand wash. Remember, now we will talk about COVID, COVID-19 is a symbolic thing. जिससे कि अब देखिए फिगर्स के बारे में, सरकार ऑफिशियल फिगर्स देती है, वो ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 162 है एक्टिव केसेस, लेकिन हम कहते नहीं 180 हो गया, कोई और कहता नहीं 100-200 हो गया, तो ये